सरमनमित को सगू वालों सारे नू प्यार भरी सत श्री अकाल। अजीत वैब टीवी के दर्शकों का जायका प्रोग्राम में स्वागत है। तो अद्धी रेसिपी मुगलई पनीर जिहड़ी राजे महाराजे खांदे सी, अज के उन्हें तुहानू भी खिलाई जाए। तो बड़ी मज़ेदार दी ते बड़ी अलग जी रेसिपी है, उम्मीद है तुहानू जरूर पसंद आएगी। तो फिर फटाफट किचन च चलीए, आ जाओ फिर साडे नाल, असीं भी चलिए तो तुसीं भी आओ फिर साडे नाल। लो जी, मुगलई पनीर की रेसिपी जी असं अज बना जा रहे हैं, उसके इनग्रीडियंट्स तुसीं सारे जने नोट करो। अद्धा किलो साडे कोल पनीर है, इसके क्यूब्स करांगे असीं, फिर उसके बाद दैन इसनों फ्राई करांगे। टमैटो प्यूरी है, चाहे दो टमाटर है वह भी तुसीं फ्रैश कट के पा सकते हो। थोड़ी जी हरिया मिर्चा, अदरक लसन का पेस्ट, मेन इनग्रीडियंट जिहड़ा हैगा इहदे विच काजू ते जिहड़े पॉपी सीड्स है, खसखास जिहनूं बोलदे आ वो है, एक चम्मच खसखास ते 10 तो 12 जिहड़े हैगे साडे कोल काजू, उसका असीं पेस्ट तैयार किया होया। तो अद्धा कप साडे कोल दही ते दूध ते पानी ते नाल ही असीं जिहड़ी इहदे विच थोड़ी जी उपरों गार्निशिंग लई क्रीम, ते साडे कोल जिहड़े मसाले है नमक मिर्च हल्दी असीं नहीं पावांगे। ते चलो जी फिर फटाफट रेसिपी बनाइए, अज असीं भी मुगलां वाली जिहड़ी हैगी रेसिपी बना रहे हैं, तो तुहानूं उसका मज़ा भी देवांगे। ते देखना किन्नी चटपट दी रेसिपी, ते लो फटाफट आपां स्टार्ट करिए। हाँ जी, चार साडे कोल प्याज ने, उन्हों असीं लम्मा लम्मा कट्टिया होया, इसनों असीं डीप फ्राई करांगे प्याजां नूं। लो जी, फ्राई हो गए साढ़े प्याज, बहुत ज़्यादा इन्हों ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का जहा देखो पिंक जहा कलर जो है रह जाए, क्योंकि जिन्ना असं ब्राउन करा उन्ना ही जी ग्रेवी का कलर है चेंज हो जाएगा। हाँ जी, जे प्याज से साढ़े उन्होंने अस तरह ग्राइंड कर लाँगे। हाँ जी, लो जी साडे कोल जिहड़ा पनीर है, पहले उस नूं फ्राई करांगे। इस पनीर का कोई कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ जस्ट बस पाया तो बस जस्ट इसकी रंगत है जी थोड़ी स्लाइटली जी चेंज हो जाएगा। फ्राई का मतलब यह नहीं भी इसका कलर चेंज हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, वो कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपल जब असं इसनों फ्राई करके बाहर कट लेना है। बड़ी जबरदस्त रेसिपी, राजे महाराजा की रेसिपी है। उस टाइम देखो कितना ड्राई फ्रूट कितना कुछ ऐड करके वो बनाते थे, जरा मज़ा लेंदे सी। असीं सोचे अज असीं भी तुहानूं क्यों ना उसी का जिहड़ा हैगा स्वाद चखाइए। तो लो जी, बस इन्ना कि इसका कलर ही सिर्फ स्लाइटली जिहा चेंज करना सीगा, फ्राई भी हो गया तो कलर भी नहीं चेंज होया। पनीर असी फ्राई कर लिया, देखो कितना वधिया, बिल्कुल कोई कलर चेंज नहीं होया, एकदम वाइट ही रखना हैगा, ना तो इनू क्रिस्पी करना है, बस सिर्फ ऑयल च पाया तो असी बाहर निकाल लिया। पनीर साडा फ्राई हो गया, प्याज असी फ्राई किए सीगे, प्याज असी फ्राई किए सीगे, उसका जिहड़ा हैगा पेस्ट असी तैयार कर लिया प्याजां दा। देखो कितना सोहना कलर आया, ना तो ब्राउन है तो बिल्कुल वाइट वाइट जहा कलर रहना चाहिए है, अगर ब्राउन करोगे तो जी ग्रेवी है वह बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएगी। तो लो जी, असी रेसिपी अपनी जी है स्टार्ट कर जा रहे हैं। दो तो तीन चम्मच असी जे है ऑयल पाया, हूँ नाल ही असी जे साडे कोल ग्राइंड ऑनियन है किए हुए जे फ्राई करके वो असी इस ऐड कर देंगे। चार क जे साडे कोल प्याज सीगे असी वड्डे सारे वो लेने, तो उसका असी जिहड़ा है पेस्ट तैयार किया। देखना कितनी चटपट दी रेसिपी, बड़ी मज़ेदार दी, जो तो तुहाडे घर गैसट आए फटाफट बनाओ तो वह तो हैरान हो जाएंगे भी इन्नी जबरदस्त रेसिपी किस तरह बन गई। बई तो सारे तुहानू इस दे पक्का मैं उम्मीद है कि तुहानू ये सारे रेसिपी जरूर पुछणगे। तो हुण अच्छी तरह, वैसे तो देखो ऑलरेडी पहले ही ये फ्राई होए पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट जिहड़ा हैगा ऑयल दे विच असीं इसनों सिर्फ भुन्नांगे। चटपट दी रेसिपी बड़ी मज़ेदार दी, देखना कितनी टेस्टी बनेगी। नाल ही असी इस जिहड़े हैगे टमैटो प्यूरी है साडे कोले तां असी ओह पाईए, तुसीं 2 टमाटर जिहड़े हैगे वड्डे ग्राइंड करके वह भी ऐड कर सकदे हो। सिर्फ पहला असी जस्ट ग्रेवी बनावांगे, देखो जे ग्रेवी वधिया बन गई तो साडा पनीर तां बल्ले बल्ले हो जाएगी पनीर दी भी। देखना चटपट दी रेसिपी,
नाल ही असं इस अदरक लहसुन का पेस्ट जो एक चम्मच पावे ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं असं करना इसनों ग्रेवी न बड़ी मिठी मिठी अग से बड़ी वधिया जी ग्रेवी तैयार करा चटपट है। सिर्फ टाइम सिर्फ जोड़ा है पनीर फ्राई करने लग गया से जोड़े प्याज में बाकी तो बस मिक्स करते जाना है समान जोड़ा काजू का पेस्ट तो जोड़े है पोपी सीड्स है जी खसखस उसका पेस्ट असं ऐड कर दिता नाल ही असं ये ना दही पावे दही को असं हमेशा जोड़ा है साइड से रख के फिर असं पाना है इकट्ठा एकदम नहीं सारा मसाले के पा देता नहीं तो फट जाएगा दही साइड से रख के करना है ये स्पेशल मैं टिप दी है। अच्छा अगर तुम दही वाली कोई रेसिपी भी बना रहे हो दही फटे ना उस एक बेस्ट टिप यही है कि जो एक चम्मच जो है काजू पेस्ट पा दो कभी भी दही जो फटेगा नहीं। लो जी हम अभी इसमें मिक्स कर लेंगे सारे थोड़े जे साडे कोल हरी मिर्च का पेस्ट है थोड़ा जा स्वाद अनुसार अपने पाओ गैस कर दो थोड़ी जी स्लो क्योंकि हुण असीं इहदे च मसाले ऐड करन लगे हां नमक स्वाद अनुसार धनिया पाउडर जीरा पाउडर हुण अच्छी तरह इहनूं मिक्स करो अगर इस स्टेज पे तुसी इस दे विच कलर ऐड करना चाहो कर सकते हो वैसे बिल्कुल अपना ही जिहड़ा कलर है अपनी ग्रेवी है उसी का ही कलर बहुत वधिया बनेगा ते लो जी गैस असी कर दिती है तेज ते थोड़ा जिहा असी इहदे च जिहड़ा है अद्धा कप दुध है वह ऐड करांगे हुण इहनूं अच्छी तरह मिक्स करो जरूरी नहीं भी हर ग्रेवी जिहड़ी है लाल रंग की जां पीले रंग की होवे अपना भी मसालियां दा भी टेस्ट हुंदा है ते उहदा कलर भी अपना हुंदा है थोड़ी ग्रेवी थिक ना हो जाए तो थोड़ा जहाँ असं ये जो है पानी ऐड करा देखो चटपट की रेसिपी मज़ेदार दी है ना बस हूँ थोड़ा पानी भी ऐड कर दिता हूँ इन थोड़ा बॉयल आए ये जो ऑयल है वो रिलीज होए उन्नी देर तक असं इस ग्रेवी में जी है पकावे तो 5 से 10 मिनट लिए असं इसको ढक के पकावे लो जी ग्रेवी साड़ी देखो लगभग तैयार है ऑयल साडा रिलीज उपर आ गया है कितनी मज़ेदार दी ग्रेवी कलर भी बहुत ही सोहना तो नाल ही हुण असीं इस दे विच जिहड़े हैगे साडे जिहड़े फ्राइड पनीर सीगा असीं उह इहदे च ऐड कर दांगे दो तो 3 मिनट इस नूं जिहड़ी हैगी ग्रेवी नूं फिर तो असीं पकावांगे तां कि जिहड़ा ग्रेवी दा टेस्ट है जिहड़ा पनीर दे विच आ जाए तो उस तो बाद असीं तुहानूं सर्व करन करके दिखावांगे इसनों जिहड़ी हैगी तुसीं इसदा परौंठे नाल मज़ा लो चाहे चावल दे नाल चाहे रोटी दे नाल देखना कितनी मज़ेदार दी रेसिपी। लो जी मुगलई पनीर बन के तैयार है उपर दी असीं मसाला हाँ साडी तां रसोई महक गई है देखो कितना वधिया लग रहा है देखण नूं ते खाण उस तो भी वधिया ते उम्मीद है तुसीं इसनों बनाओ ते बस फिर खाओ। लो जी मुगलई पनीर आ हा 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 देखिया साडी रसोई तां पूरी तरह महक गई है तो असी तो हूँ यदा मज़ा लाँगे फुलके बनावे तो नाल परौंठे भी अज बना के ये खावे तो तुम इस बनाओ तो खाओ तो सरमनमीत को सगन दियो इजाजत अगले एपीसोड फिर मिलते हैं धन्यवाद थोड़ा। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उत्ते उपलब्ध है फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है ट्विटर के उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला
ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਅਜੀਤ।